हेलो हेलो हेलो। देखिए, हम यहाँ तक कर चुके थे कुछ अलग ही तरह के कंपाउंड जिसके अंदर हम आइसोमेरेज देख रहे थे, जिसमें हमने पहले करा था क्यूमोलिन में और डाइफिनाइल में, याद आ रहा है? उसी को सीक्वेंस को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। एक नया तरह का आइसोमेरेज की हेडिंग डलेगी हमारी, और वो रहेगी एट्रोपी आइसोमेरेज। आइसोमेरेज एट्रोपी आइसोमेरिस, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ हम बात कर रहे हैं। लिखें इसको, लिख लिया। हो क्या रहा है एट्रोपी आइसोमेरिस? ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो हमें देखने पर लगते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन किसी भी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वो नॉन प्लेनर हो जाते हैं। और जब वो नॉन प्लेनर हो जाते हैं तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव मान सकते हैं, और जब ऑप्टिकली एक्टिव मानेंगे तो वो आइसोमर्स भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मॉलिक्यूल है सी डबल बॉन्ड ओ, कुछ भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया डबल बॉन्ड ओ या डबल बॉन्ड सी, CH3, CH3, और यहाँ मैंने Cl कुछ ले लिया। क्या लगेगा, ये पूरा मॉलिक्यूल एक ही प्लेन में होगा या नहीं होगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मॉलिक्यूल प्लेन में है, और ये मॉलिक्यूल प्लेन में, तो ये कैसा होगा? अकायरल। यस, और अकायरल होने की वजह से, अकायरल का मतलब POS रख रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS रख रहा है, तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा? अकायरल। लेकिन मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, CH3, CH3 डबल बॉन्ड, और यहां पर मैंने रख दिया Cl, और यहां मैंने रख दिया Br। क्या लग रहा है आपको, क्या ये Br और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। अब आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो कोई भी एक प्लेन ऐसा दिख रहा है आपको जिसमें POS दिखेगा? नहीं दिखेगा। आप ढूंढते रह जाएंगे, ऐसे बच्चा तो देखेगा सर ये पूरा प्लेन में, ये सब कुछ प्लेन में, और बहुत आसानी से देखेगा कि POS बोल देगा, क्योंकि सारे एटम्स क्या हैं, एक ही प्लेन में दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्या इसमें POS होगा? नहीं। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा POS क्यों नहीं है, क्यों नहीं है इसमें POS? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। और ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अगर रिपल्शन आ रहा है जो आउट ऑफ प्लेन में ले जा रहा है इस मॉलिक्यूल को, तो ये POS नहीं रख रहे, और POS नहीं रख रहे तो ये क्या हो जाएगा, कायरल या अकायरल? कायरल। और कायरल होने के साथ ही ये ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, एक्टिव, और ये ऑप्टिकली क्या रहेंगे, तो मेरा पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आराम से पूछा जा सकता था कि बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। बच्चा इसको भी इनएक्टिव बोलेगा और इसको भी इनएक्टिव बोलेगा, तो ये किस वजह से हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, और स्टेरिक हिंड्रेंस है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिस का एक और पार्ट हो गया मेरे लिए, और उसी का मतलब उसी का पार्ट हो गया, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एट्रोपी आइसोमेरिस। तो अब आप मुझे बताइए एट्रोपी आइसोमेरिस की डेफिनेशन क्या बनेगी। आइसोमेरिस जनरेट ड्यू टू जनरेशन जनरेट ऑफ स्टीरियो सेंटर ड्यू टू स्टेरिक क्राउड हिंड्रेंस। समझ में आ गई बात? तो वैसे दिख नहीं रहा है, लग रहा है नॉर्मल होगा, लेकिन ये वाला पार्ट क्या होगा, बेंजीन में आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये बेंजीन है, मान लो मैं बेंजीन हूँ, पूरा प्लेन में हूँ, ये थोड़ा सा आगे जाएगा और ये थोड़ा सा पीछे जाएगा। अब कोई भी एक प्लेन ऐसा नहीं मिल रहा है जिसपे POS मिल जाए। हाँ, अगर ये भी ब्रोमीन होता, ये भी ब्रोमीन होता, तो हो सकता है मैं बेंजीन को इस तरह से काट देता बीच में से, तब मिल जाता मेरे को, लेकिन अभी तो नहीं मिल रहा है, इसमें कोई स्टेरिक क्राउड है ही नहीं।
ये तो ब्रोमीन के साथ एक ही प्लेन में, वो बेंजीन के साथ एक ही प्लेन में, होल मॉलिक्यूल इज सिंगल प्लेन, बस ब्रोमीन है इसकी वजह से। ब्रोमीन बड़ा एटम है ना, तो आयोडीन ले सकता हूँ, ठीक है ना, बड़ा एटम लूँ या ग्रुप लेने की कोशिश करूंगा, NO2 ले लूंगा मैं। सिंगल एटम लेता हूँ तो बड़ा एटम ले लूंगा, और छोटा एटम नहीं लूंगा फिर, और या फिर मैं ग्रुप लूंगा तो भी, हाँ वो तो रहेगा, बड़ा ग्रुप आते ही क्यों नहीं आएगा। तो आप इसको उतारें और सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें। अब इसके साथ अकायरल एट्रोपी आइसोमेरिस की डेफिनेशंस, तो क्या रीजन है लिख लीजिए। स्टीरियो सेंटर जनरेट ड्यू टू ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इन बेंजीन रिंग्स फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स एंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आइसोमर्स अबाउ आइसोमेरिस इज कॉल्ड ए ट्रॉपी आइसोमेरिस। तो एक तरह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिस का ही एक पार्ट हो गया। तो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में। ये एक मेरे पास डाइफिनाइल है, और मैंने यहां पर ब्रोमीन लगा दिया और एक ब्रोमीन यहां लगा दिया। दिखने में ऐसा लग रहा है ये पूरा प्लेनर मॉलिक्यूल है, लग रहा है ना, लेकिन है नहीं। ये बेंजीन रिंग पूरी जो भी है, नेफ्थालीन, ये नेफ्थालीन और ये नेफ्थालीन क्या होगा, कुछ एंगल में रोटेट हो जाएंगे और कुछ भी हो सकता है, और वो रोटेशन हमारे लिए क्या कहलाएगा, कोई भी हो रोटेशन एंगल भी कहलाएगा, स्टेरिक राउट कहलाएगा, और उस स्टेरिक राउट से इसमें POS नहीं होगा, और POS नहीं होगा तो ये क्या होगा, कायरल या अकायरल, कायरल, और ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव, एक्टिव। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, ये सारे इसमें भी लिख लेंगे आप। मैं आपका ध्यान चाहूंगा इस तरफ, ये ब्रोमीन अगर यहां की जगह थोड़ा दूर या और दूर हो जाए तो फिर स्टेरिक क्राउड नहीं जनरेट होता, ऑर्थो पोजीशन पे अच्छा खासा होता है। जरूरी नहीं है ब्रोमीन हो, कोई भी और बड़ा ग्रुप भी आ जाए, बल्कि ग्रुप होना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, फिर ऑप्टिकली जैसे बल्कि ग्रुप कौन होगा मेरे पास, बहुत बड़ा ग्रुप या बहुत बड़ा एटम, आयोडीन ले सकते हो। तो कई बार छोटे ग्रुप में क्या होता है, डेटाबेस हो जाता है। अब आप बोल दोगे सर OH ले लिया तो, या CH3 ले लिया तो, ये बहुत बड़े ग्रुप नहीं है, ये डाटाबेस हो जाएंगे फिर, ठीक है ना, नहीं छोकर। लेकिन C2H5 हो गया तो बड़ा ग्रुप है। टर्शियरी या सेकेंडरी ब्यूटाइल ले लिया तो भी बड़ा ग्रुप है। तो आपके लिए तो सबसे अच्छा है कि आप ब्रोमीन जैसे एटम को ही बड़ा ग्रुप एटम माने। चलिए ठीक है, ये तो मैंने एक बहुत अच्छी बात बताई आपको, लिख लें इसको।